अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात, हाई रिस्क स्टॉक कभी मत लीजिएगा। तो कौन से स्टॉक आपके जो है पोर्टफोलियो में होने चाहिए? सबसे पहला है IRCTC, इंडियन रेलवे, लाइफलाइन कही जाने वाली इंडिया की। दूसरा रहेगा बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो काफ़ी बिजनेस आने वाला है इनके पास में। तीसरा रहेगा CDSL, जहाँ भी आपके स्टॉक सेव होते हैं, जिसको डिपॉजिटरी कहा जाता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी, वो एक बहुत अच्छा। ग्लैंड फार्मा, ग्लैंड फार्मा B2B बिजनेस में है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है और उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। और लास्ट बात किया जाए इन्फोसिस, अगर आप रिसेंट रिजल्ट्स की बात करें तो इन्फोसिस स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल दी IT कंपनीज। ये स्टॉक्स आपके जो है पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए।